में मेट्रो सेवा पूरी तरह बंद, यात्रियों को मजबूरन बसों में करना पड़ रहा सफर। गांधीनगर विधानसभा में वैक्सीनेशन सेंटर ना होने से जनता परेशान, हेल्थ विभाग अध्यक्ष कंचन माहेश्वरी ने दो नए वैक्सीनेशन सेंटर खुलवाए। चालान काटने से भड़के मन चले, विरोध पर युवकों ने एसआई को पीटा। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिल्ली सरकार द्वारा खोला गया कोविड सेंटर, मरीजों की सुख सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे एसडीएम देवेंद्र शर्मा। और दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में 500 बेड की सुविधा उपलब्ध, जीटीबी अस्पताल में 7500 कोरोना बेड की सुविधा, जिनमें से 151 बेड अभी खाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। पूर्वी दिल्ली की खबरों में आपका स्वागत है। तो बता दें कि लॉकडाउन के आगे बढ़ने के बाद और नियम सख्त होने के कारण दिल्ली में मेट्रो सेवा भी पूरी तरह से बंद पड़ी है। बता दें कि मेट्रो यात्रियों को मजबूरन बसों में सफर तय करना पड़ रहा है। यात्रा करने वाले खासकर हेल्थ वर्कर्स की बात करें तो यहाँ मेट्रो के सफर के दौरान उनको अपनी ड्यूटी तक पहुँचने में कम समय लगता था, तो अब ये सफर बस में करने से और ज्यादा लंबा हो गया है, समय भी ज्यादा लग रहा है। बता दें कि अब हेल्थ वर्कर्स की प्रशासन से ये मांग है कि जो एसेंशियल सर्विसेज करने वाले लोग हैं उनको ध्यान में रखकर सरकार को मेट्रो सेवा फिर से शुरू कर देनी चाहिए। अरे मेट्रो से मैं आती थी काफ़ी, एक तो मेट्रो वैसे भी लेट ही चलती थी, बट अभी मेट्रो बंद होने से काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही है। मैं यहाँ हनुमान बालाजी में जॉब करती हूँ हॉस्पिटल में ही, तो मैं मॉर्निंग में आई तो मुझे बस भी नहीं मिली और मेट्रो भी बंद हो गई। तो मेट्रो में काफ़ी मतलब कि सही रहता था मेरे लिए, मतलब पर आवर में एक घंटे में मैं आ जाती थी मतलब अपने वहाँ से घर से। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मेडिकल स्टाफ है, उनके लिए तो होना ही चाहिए, क्योंकि नॉर्मल तो वैसे भी बंद थी लोगों के लिए, पर गवर्नमेंट और मेडिकल स्टाफ के लिए स्टार्ट होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पाती है टाइम पे हमारा कोविड 19 में मैं जॉब करती हूँ तो पहुँचने में बहुत लेट हो जाती है, बहुत लेट हो जाते हैं और कन्वेंस भी टाइम पे नहीं मिल रही है। गांधीनगर विधानसभा में अभी तक एक भी वैक्सीनेशन सेंटर नहीं था, जिससे यहाँ की जनता बहुत परेशान थी। लेकिन 11 मई गांधीनगर कि जनता के लिए खुशखबरी का दिन इसलिए साबित हुआ क्योंकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के हेल्थ विभाग के अध्यक्ष कंचन माहेश्वरी ने अपने वार्ड में दो नए वैक्सीनेशन सेंटर सीलमपुर स्कूल और कांति नगर स्कूल में खुलवा दिए हैं, जिसमें वैक्सीन लगवाने का कार्य शुरू करा दिया गया है। आज कंचन माहेश्वरी ने सीलमपुर स्कूल में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर का निगम कमिश्नर और मेयर निर्मल जैन के साथ स्कूल में चल रहे सेंटर का निरीक्षण किया है और तैयारियों का भी जायजा लिया है। कंचन माहेश्वरी के इस कार्य से गांधीनगर की जनता काफी खुश है क्योंकि पहले सबको वैक्सीन लगवाने के लिए दूर किसी सेंटर में जाना पड़ता था, लेकिन अब ये व्यवस्था उनके घर के नज़दीक मौजूद हो गई है। सेंटर्स में निरीक्षण के दौरान कांतिनगर मंडल की महामंत्री गौरव शर्मा, उपाध्यक्ष अरुण मिश्रा, इंदु सेन, राजन महाजन और भी कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरी दिल्ली में कोविड बहुत बुरी तरह से फैल चुका है, सभी लोग इससे परेशान है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो सभी का ध्यान इस ओर है, परंतु गांधीनगर विधानसभा में कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर ना होने की वजह से लोगों को दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता था, स्लॉट की बुकिंग में दिक्कत आती थी। तो अब कांतिनगर वार्ड में सीलमपुर में कौशिकपुरी जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे एक वैक्सीनेशन सेंटर, पहला वैक्सीनेशन सेंटर खुल चुका है और दूसरा वैक्सीनेशन सेंटर कांतिनगर प्राइमरी स्कूल वो भी कल से शुरू हो जाएगा। पूरी विधानसभा में और भी सेंटर खुलने, 4 से 5 वैक्सीनेशन सेंटर खुलने जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सुविधा के लिए ये काम किया जा रहा है ताकि हमारे यहाँ से किसी को भी बाहर ना जाना पड़े। तो खबर पूर्वी दिल्ली के इलाके कल्याणपुरी से है, जहाँ दिल्ली के पुलिस के एएसआई अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान उन्होंने बाजार में बिना मास्क पहने घूम रहे युवकों का चालान काटा तो युवकों ने गुस्से में आकर एएसआई देवेंद्र के साथ मारपीट शुरू कर दी। युवकों ने बिना किसी खौफ के पुलिस के जवान पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के एएसआई देवेंद्र कुमार थाना कल्याणपुरी में तैनात थे।
वहीं ड्यूटी के दौरान एसआई बिना मास्क पहने लोगों का चालान काट रहे थे। उसी दौरान दो युवकों ने, जिनका नाम महबूब और मोहसिन है, दोनों आरोपियों ने एसआई देवेंद्र पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। इस बाबत एसआई को अपनी जान बचाने के लिए पिस्तौल निकालनी पड़ी। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला यहाँ ये था जी, पब्लिक वहाँ, पुलिस वाले वहाँ से भाग रहे हैं, पब्लिक उनके पीछे पीछे, और पथराव यहाँ से भागते हुए पुलिस वाले को घेर रखा था। पुलिस वाले को किराने वाले गोपालगंज ने अंदर अपनी दुकान अंदर कर लिया। फिर उसके बाद 30-40 जने यहाँ से सीधा इसकी दुकान में पथराव, इसके ही पत्थर लगा, इसके सर्वेंट के पत्थर लगा, एक मैडम है उसके ही पत्थर लगा, इसकी दुकान में 4 बार फोड़े। ये था, अब बजेगा नहीं कह पाएंगे क्योंकि बजेगा इनके पीछे से कहीं वहाँ से हुआ है, ये नंदराम कुलचाला की तरफ से। पुलिस ने अपने बचाव के लिए रिवॉल्वर निकाली है, पुलिस वाले ने रिवॉल्वर निकाली है, फिर उसको अंदर दुकान में खड़ा कर दिया गया, फिर इन्होंने पथराव करा है। पुलिस वाले थे, उनको कुछ लोग मारते हुए आ रहे थे और उनको पूरी तरह मारा पुलिस वालों को। पुलिस वालों को मैंने देखा तो मैंने पुलिस वाले सर दुकान के अंदर आया, पुलिस वाले मेरी दुकान के अंदर आ गए। उसके बाद जो ऐसा मेरे तत्व थे उन्होंने काफ़ी पथराव किया, मेरी दुकान के सामान फेंका, मेरे भी चोट आई, मेरी असिस्टेंट है उसको चोट आई, मेरे कर्मचारी है गोविंद उसको भी चोट आई है, सबको मारा, पूरी दुकान में पथराव हुआ। क्या वजह था मारने का, क्यों, कितने लोग थे करीब यहाँ पे? करीब 50-60 लोगों का। ये वजह तो मेरे पता नहीं। तो वहीं दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिल्ली सरकार द्वारा कोविड सेंटर खोला गया था। इस कोविड सेंटर में मरीजों की सुख सुविधाओं का जायजा लेने के लिए विवेक विहार के एसडीएम देवेंद्र शर्मा ने कोविड सेंटर का दौरा किया। आपको बता दें कि पहले सेंटर में मरीजों को भर्ती करने के लिए 400 बेड की सुविधा दी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 800 बेड तक कर दिया गया है। वहीं यहां के डॉक्टर्स की माने तो यहां 4,500 बेड पर ऑक्सीजन पूरी तरह से उपलब्ध है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आपातकालीन स्थिति में यहां 500 कोरोना मरीज को भर्ती किया जा सकता है। फिलहाल यहां 88 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 70 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। यही नहीं, इस सेंटर में सिर्फ उन्हीं मरीजों को भर्ती किया जाता है जिनका ऑक्सीजन लेवल 85% तक हो, और अगर किसी मरीज की हालत ज्यादा गंभीर होती है तो ऐसे में उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। इसी के साथ यहाँ संस्थान में डॉक्टर्स की कमी ना होने पाए, इसके लिए यहाँ डॉक्टर्स फॉर यू नामक संस्था डॉक्टर्स भेजने का काम करती है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है दिल्ली सरकार ने कोविड पेशेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा बनाई है। इसमें जो प्राइमरी स्टेज का जो पेशेंट केयर है उसकी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे पास ऑक्सीजन है और डॉक्टर्स की एक टीम है पूरी। देखिए, पेशेंट्स को हम खाना और बाकी सारी सुविधाएं मतलब निःशुल्क दी जा रही हैं, और जो पेशेंट्स यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं, करीब 150 या 180 के आसपास पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो सभी सेटिस्फाइड हैं और उनसे हम एक फीडबैक फॉर्म भी भरवा रहे हैं और सभी यहाँ की सुविधाओं से संतुष्ट हैं। 88% अभी करंट में है, और ये यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो है डॉक्टरों की जो है एक्सपीरियंस डॉक्टरों की टीम उपलब्ध है। एक एनजीओ डॉक्टर्स फॉर यू, दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विस एंड दे हैव गुड एनफ एक्सपीरियंस, एंड जो भी पेशेंट यहाँ पर एडमिट हो रहा है उसको जो है ट्वाइस जो है ये इंटीमेट कर रहे हैं कि स्टेटस ऑफ द पेशेंट के बारे में। यहाँ पर जो है हम लोग जो है यहाँ पर फूड फैसिलिटी जो है अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं डॉक्टरों के लिए और हमारे पेशेंट जो एडमिटेड हैं उनके लिए। और ये यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है एक्सटेंडेड फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए है। जो पेशेंट ऐसे जो है अति सीरियस नेचर के नहीं हैं, जो ऑक्सीजन लेवल 80 या 85 के अबव हैं, वो हमारे यहाँ एडमिट हो रहे हैं और उनका बढ़िया इलाज यहाँ पर हो रहा है। लगभग 110 के आसपास मरीज हैं जो एडमिट हैं, बट अभी और भी फैसिलिटी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के सपोर्ट से काफ़ी तेज़ी से काम किया गया है, तो आज की डेट में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बेड्स की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि अगर आज की डेट में हमें 400 से 500 मरीजों को भी भर्ती करने की ज़रूरत पड़े तो हम कर सकते हैं। अलग ही तरीके का मॉडल बनाया गया जो कोविड वेव 1 में हम लोगों ने बनाया, जिसमें 3 तरीके से इसको चैनल किया जाता है। सबसे बड़ा जो भूमिका होती है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, डीएम इज़ दी ओवरऑल अथॉरिटी। तो डीएम सर की देखरेख में सारा लॉजिस्टिक यहाँ पर बनाया जाता है। एक लिंक ऑफिसर और एक लिंक हॉस्पिटल होता है, जैसे कि जीटीबी है, तो जीटीबी से सारे मेडिकल कंज्यूमेबल्स यानी कि जो भी सामान मेडिकल कंज्यूमेबल्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। आप लोगों को अगर किसी को भी कोई तकलीफ होती है आप यहाँ पर आएँ, और यहाँ सिर्फ आपको कोविड रिपोर्ट दिखानी होगी, अगर उसमें वो पॉजिटिव आता है तो ये आपको लेंगे, और अगर कभी और भी सिचुएशन ख़राब होती है, एमरजेंसी पड़ती है, तो ये पास में जीटीबी हॉस्पिटल है, वहाँ रेफर करेंगे, वहाँ भी एडमिट करवाएंगे।
तो वहीं दिल्ली सरकार ने ये दावा किया था कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए 10 दिनों के अंदर रामलीला ग्राउंड में 500 बेड की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आपको बता दें कि ये रामलीला ग्राउंड प्रसिद्ध जीटीबी अस्पताल के सामने है जो कि सरकार के मुताबिक 11 मई को खोला जाना था, पर किन्हीं कारणवश यह संभव नहीं हो पाया और अभी तक यहाँ किसी भी मरीज को भर्ती नहीं किया गया है। सेंटर में 100 बेड पर आईसीयू की सुविधा दी गई है। बताया जा रहा है कि महामारी के पीक पर होने पर पहले यहां 7,500 बेड देने की बात थी, पर बाद में इसे कम करके 500 कर दिया गया। वहीं जीटीबी अस्पताल में बेड की संख्या की कोई भी गिनती नहीं है। दिल्ली के जीटीबी इलाके में दिल्ली सरकार ने 10 दिनों के अंदर हॉस्पिटल बनाकर तैयार किया और दावा किया कि यह 11 तारीख से ओपन हो जाएगा, मरीजों के लिए चालू रहेगा। मैं अभी उसी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। मैं पीछे का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। इस हॉस्पिटल में 500 आईसीयू बेड लगाए गए हैं, लेकिन अभी हॉस्पिटल सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है, अभी इसमें काम जारी है। फिलहाल यहाँ वेंटिलेटर और आईसीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं। ये पूरी तरीके से लगभग बनकर तैयार है, लेकिन अभी जैसे कि सामने की तरफ देखें तो कुछ मशीनें जो हैं वो अभी ले जाई जा रही हैं और अभी इन्हें इंस्टॉलमेंट किया जा रहा है। फिलहाल ये मशीनें अभी पूरी तरीके से लगी नहीं है, ना ही पूरी तरीके से यहाँ बेड अभी अवेलेबल हैं। मरीजों का अभी यहाँ एडमिशन शुरू नहीं हुआ है। जिस तरीके से हालात हैं देखकर लगता है कि अभी लगभग 102 दिन का समय और लग सकता है ये चालू होने में। यहाँ की अगर मैं फैसिलिटी की बात करूँ, यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पूरे में एसी है, एसी लेस हॉस्पिटल बनाया गया और खासकर जो पेशेंट एडमिट होंगे उनके लिए। रिसेप्शन की तरफ दिखाना चाहूँ तो सामने की तरफ यहाँ वाईफाई फ्री है, यहाँ सभी के लिए वाईफाई फ्री रहेगा। पानी की सुविधा है, खाने की सुविधा रहेगी, टॉयलेट की सुविधा है, यहाँ मरीजों के लिए सारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। कैमरामैन नवीन के साथ। कुछ दिनों से पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की कमी देखने को मिल रही है। पानी न आने से लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि दिल्ली में लॉकडाउन के कारण पहले से ही सबके काम बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी तो है ही और अब ऐसे में पानी के लिए भी उनको मशक्कत करनी पड़ रही है। लोगों को पानी ना मिल पाने की वजह से पानी खरीदना पड़ रहा है और कोरोना के चलते दिल्ली सरकार संक्रमण से बचने के लिए समय समय पर हाथ धोने की बात करती है। वहीं लोगों का कहना है कि ऐसे समय जब पीने के पानी से जूझना पड़ रहा है तो भला हाथ कहां से धोएंगे। लोगों की शिकायत है कि सरकार को जरा सोचना चाहिए और समय समय पर पानी उपलब्ध कराना चाहिए ताकि पानी से जुड़ी समस्याएं ना पैदा हो और साथ ही उन्हें इस मंदी के दौर में पानी खरीदना ना पड़े, क्योंकि आर्थिक तंगी के चलते घर खर्च चलाना मुश्किल है। ऐसे में पानी खरीद कर उसे पीना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के बहुत से क्षेत्रों में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी की आपूर्ति बाधित रही, ये एक बहुत परेशानी वाला विषय बन गया है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कोरोना महामारी और संकट का काल चल रहा है। इसे बार बार साफ सफाई करनी पड़ती है, हाथ धोने पड़ते हैं बार बार साबुन से, ऊंचा जरूर चाहिए लगाने उसके लिए पानी के, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, और साफ सफाई बताई भी गई है इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए। तो ऐसे में पानी ना होना बहुत परेशानी का कारण बनता है, बन सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के ज़्यादातर निवासी दिल्ली जल बोर्ड के पानी पर निर्भर हैं। मैं विश्वास नगर में रहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में बार बार ये कहा जा रहा है कि हर थोड़ी देर बाद में अपने हाथ धोए जाएं, लेकिन कैसे धोएं? जिस तरीके से आज पूर्वी दिल्ली में पानी की इतनी विकट समस्या बनी हुई है, घर में पीने का भी पानी नहीं है, अब समस्या किस समस्या से हल करें? सफाई रखें, कैसे रखें? पानी ही नहीं है। जब अब पानी की समस्या से जूझ रहा है इंसान, एक तरफ कह रहे हैं कि पूरी तरीके से बार बार हाथ धो, सफाई का ध्यान रखो, दूसरी तरफ पानी की पूर्णतः व्यवस्था भी नहीं की गई है। तो दिल्ली की जो समस्या है, खासतौर पर पूर्वी दिल्ली, जैसे कि आज सुबह 6:30 बजे पानी आया और 7:15 बजे चला गया, और उसमें भी पानी इतना गंदा आया। पानी गंदा आ रहा है, कई क्षेत्र में तो पानी आ ही नहीं रहा है। ऐसे में बंदा कोरोना से बचे या पानी की समस्या देखे या पानी से होने वाली बीमारियों को देखे, क्या करे? दिल्ली सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है मुझे तो समझ में नहीं आता। पानी से मर रहे हैं लोग, हवा से मर रहे हैं लोग, और सरकार दावा पेश कर रही है कि दिल्ली में पानी फ्री है, बिजली फ्री है। अब तो मुझे लग रहा है दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोरोना भी फ्री कर दिया है। मेरा दिल्ली सरकार से निवेदन है, कृपया जो दिल्ली में इस तरह से समस्या उजागर है, विज्ञापन से बाहर आकर इन समस्याओं को देखें। पूर्वी दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा में 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए सेंटर की शुरुआत की गई है। गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी का कहना है कि बड़े ही प्रयास से यह काम हो पाया है। आज से पहले गांधीनगर विधानसभा में एक भी सेंटर नहीं था जहां वैक्सीन लगाई जा रही थी। लोगों ने इस पर विधायक का धन्यवाद किया है और विधायक का कहना है कि रोजाना करीब 1,000 लोगों को यहां वैक्सीन लगाई जाएगी। अनिल वाजपेयी ने कहा कि हमारे यहां
कि मांग थी कि गांधीनगर में भी वैक्सीन सेंटर बनाया जाए, क्योंकि यहां के लोगों को दूसरी विधानसभा में जाना पड़ रहा था। आज पहला है ये, इसके बाद यहीं पर ही 4 सेंटर और होंगे, उसके बाद कांतिनगर, दिल्ली की पहली पोलो क्लिनिक कांतिनगर में और कांतिनगर स्कूल में, और नया सिंहपुर जो हमारी विधानसभा का दूसरा हिस्सा पड़ता है वहाँ पर भी एक सेंटर ये खोला जाएगा। वैक्सीन पूरी है और कोई भी कमी नहीं है। सरकार का अथक प्रयास है, बहुत सराहनीय प्रयास है। सरकार ने जो हमें सेंटर अलॉट किया है, हमने यहाँ पर पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पूरे विद्यालय की एक एक डेस्क को पूरा सैनिटाइज कराया है, और ये हमारी ऐसी उम्मीद है कि लोग बिल्कुल यहाँ आकर अपना टीका लगवाएं और डेली इनको मतलब वैक्सीन सैनिटाइज होगा, ये पूरी बिल्डिंग जो होगी डेली होगी। विधायक जी ने जो प्रयास किया और भूख हड़ताल की भी बात की और हमारे उपराज्यपाल जी का उसमें पूरा सहयोग मिला, तो हमारे यहाँ वैक्सीन सेंटर खुल गया है। इस बात की मैं अपने विधायक जी को और सभी क्षेत्रवासियों को और जिन्होंने इसमें मदद की है सबको मैं बधाई देता हूँ। सर, मैं विधायक जी हमारे अनिल वाजपेयी जी, गांधीनगर के विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ। उनके प्रयास से आज गांधीनगर में पहला वैक्सीन सेंटर खोला गया है। लॉकडाउन में बंद दुकानों के भी आ रहे हैं बिजली के मोटे मोटे बिल। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यापारियों का कहना है कि 1 मई को लॉकडाउन लगा हुआ है, काम बिल्कुल बंद पड़ा है, कमाई खत्म हो चुकी है, ऊपर से खर्चे हैं जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। बंद दुकानों के बिजली के बिल आ रहे हैं, वहीं लोन ईएमआई के लिए बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा लेबर जो काम कर रही थी उनको सरकार की तरफ से कोई भी मदद मुहैया नहीं हुई है, जिसका सारा भार व्यापारियों पर आ चुका है। इसके चलते व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। बिल्कुल, बिजली के बिल तो एज इट इज आ रहे हैं जैसे पहले आ रहे हैं, और अगर हम नहीं जमा कराते हैं तो लेट फीस भी लगा के भेज रहे हैं, वो उसमें कोई रियायत नहीं है। हालांकि इनकी रीडिंग तक नहीं हो पा रही है, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो एवरेज बिल भेज रहे हैं। जैसे कि लास्ट मंथ 25,000 का, तो इस महीने भी 25,000 जोड़ के 50,000 का बिल भेज दिया। अब ऐसे टाइम पर 50,000 अरेंज करना कहाँ से पॉसिबल है? मार्केट सारी बंद है, व्यापार सारा बंद है, कहाँ से इस पैसे को लेके आए? ये समझ में नहीं आता कि केजरीवाल गवर्नमेंट कर क्या रही है। और जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, मैंने फैक्ट्री का ताला भी नहीं खोला, दुकान का ताला भी नहीं खोला है, मगर बिजली के बिल जो देख रहा हूँ तो मोबाइल के ऊपर ही मैसेज आ रहे हैं कि इतने का बिल आपका मतलब आ चुका है और इसको इस तारीख तक जमा कराओ, नहीं तो इसके ऊपर सरचार्ज लग के ना ये और बढ़ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब व्यापार नहीं हो रहा, ताला तक नहीं खुल रहा, तो बिल किस लिए मांग रहे हैं वो ये तो बताइए मुझे। मतलब बिल का मतलब हम खाने के लिए लेके आए हैं, व्यापार तो है ही नहीं, है ना? या फिर जो लेबर जो है उसको दें, कहाँ से दें, कहाँ से कोई व्यवस्था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस समय दिल्ली सरकार करके आ रही है। लगातार लॉकडाउन बढ़ने के कारण लोगों को अब खाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इसे देखते हुए श्री प्रद्युमन गुरु भक्त परिवार के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि लगभग 400 परिवार को राशन बांटेंगे और सभी ने मिलकर फंड इकट्ठा किया। अब तक 305 परिवारों को राशन दिया गया है। राशन वितरण निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल ने समिति के सदस्यों के साथ राशन बांटने का काम किया। राशन में 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, मसाले और तेल भी दिए गए। आसपास के रहने वाले लोग हैं, उन सबको जो परेशान है, जिनको आवश्यकता है, क्योंकि ये लॉकडाउन बहुत लंबा चल गया है, लोगों के पैसे खत्म हो गए हैं, तो जरूरतमंद लोग जितनी ज्यादा से ज्यादा सहायता कर सकते हैं, इन्होंने उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। तो फिलहाल पूर्वी दिल्ली की खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN News और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।